नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कनाडा के नेक्स्ट इनटेक को लेके। इस टाइम पे जब VFS को खुलने को लेके सिनेरियो क्लियर नहीं है, तो बच्चों के क्वेश्चंस है कि कौन सा इनटेक है जो कनाडा के लिए फाइनली सिक्योर इनटेक वो काउंट कर सकते हैं, जिसमें उनका सिनेरियो जो है वो उनका वीजा जो है वो सिक्योर रहे और वीजा ग्रांट हो जाए। सो इसके बारे में ये वीडियो रहेगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी एडवाइस है कि कोई भी स्टूडेंट वीजा ऑफिस के थ्रू अगर अपनी एप्लीकेशन लगाना चाहता तो हमारी वेबसाइट tvostudy.com पे जा सकता है, जाके बेसिक सा क्वेरी फॉर्म सबमिट करके अपनी एप्लीकेशन वीजा ऑफिस के थ्रू, जो कि 8 सालों से स्टूडेंट वीजा की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हमारे थ्रू अपना एडमिशन प्रोसेस आप घर बैठे ही स्टार्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो की तरफ आते हैं। सो कनाडा को लेके काफी कंफ्यूजन बरकरार है। VFS ग्लोबल जब 30 नवंबर तक क्लोज है, उसके बाद के भी सिनेरियो क्लियर नहीं है। अब जो न्यू एडमिशन वाले बच्चे हैं वो कंफ्यूजन में है कि क्या वो जेन इनटेक के लिए ऑप्ट करें या कोई नेक्स्ट इनटेक देखें। सो उन बच्चों को मैं एडवाइस देना चाहूंगा, आप अपना एडमिशन प्रोसेस मई इनटेक के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। रीजन यही है कि जेन के लिए एक तो टाइम लिमिटेड बचा है, उसके बाद VFS सेंटर जब क्लोज है और हाई कमीशन ने क्लियर कर दिया है कि बायोमेट्रिक वेव ऑफ नहीं होने, सिर्फ फाइनल अप्रूवल आएगी। कब आएगी? जब आपके बायोमेट्रिक कंप्लीट होंगे और आपका जो DLA इंस्टीट्यूट है जिसका COVID-19 का रेडीनेस प्लान अप्रूव्ड है वो उस लिस्ट में आ जाएगा। तो ये दोनों सिनेरियो मेट करने जरूरी है। DLA इंस्टीट्यूट तो आ जाएगा, लेकिन अगर VFS नहीं खुलते तो भी आपको अप्रूवल नहीं आएगी और आगे चल के आपको हो सकता है कि जेन इनटेक भी डेफर करना पड़े। सो बहुत से बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जो 19 पास आउट है या 20 पास आउट है, जिन्होंने अभी IELTS कर रहे हैं, IELTS ज्वाइन की है, आज का किसी का भी रिसेंट रिजल्ट आया है, वो सोच में पड़े हुए हैं कि कौन सा इनटेक हम ऑप्ट करें। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस है आप मई इनटेक के लिए अपना एडमिशन प्रोसेस अभी से स्टार्ट कर ले। सो अभी से कहने का मतलब ये है कि राइट नाउ। रीजन क्या है कि दोस्तों, अगर VFS सेंटर डिले होते हैं तो जेन इनटेक वाले बच्चे भी डेफर होंगे मई के लिए। सो अगर आप अपना एडमिशन प्रोसेस दिसंबर में स्टार्ट करेंगे तो आपको मैक्सिमम कॉलेज की वेबसाइट पे ये साफ दिखेगा कि उनका एडमिशन जो है मई इनटेक के लिए भी फिल आउट हो चुका है, क्योंकि सितंबर और मई इनटेक 21 कनाडा का अब तक का सबसे ज्यादा रश वाला इनटेक रहने वाला है। बच्चे डेफर हो रहे हैं, सितंबर से डेफर होकर जनवरी में गए हैं, जनवरी के बाद हो सकता है कि वो मई इनटेक के लिए या जुलाई इनटेक के लिए डेफर करें। सो कहीं ना कहीं जरूरी है कि आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करना तो ये राइट टाइम है। रीजन, अगर आप और डिले करोगे तो आगे आपका जो गैप है वो भी बढ़ता जाएगा, और जब गैप बढ़ जाता है, 1 ईयर का गैप हो जाता है, तो आपके लिए जस्टिफिकेशन देनी कनाडा में जरूरी हो जाती है। सो जरूरी है कि टाइमली अपना एडमिशन प्रोसेस आप स्टार्ट कीजिए। एक और चीज, मई इनटेक में क्या पॉसिबिलिटी है VFS की, तो मैं पहले क्लियर कर दूं, आप भी समझदार है कि कोविड का सिनेरियो धीरे धीरे इंडिया में भी कंट्रोल में आ रहा है। सो मई इनटेक में अभी भी 4 से 6 महीने का टाइम है। सो आपकी फाइल लगने में 4 से 5 महीने अभी पड़े हुए हैं। सो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि VFS सेंटर अगले 4-5 महीने नहीं खुलेगा। सो आप भी समझदार हो, लेट टू लेट भी अगर VFS सेंटर खुलते हैं तो जनवरी में डेफिनेटली खुल जाएंगे, क्योंकि इंडिया की कोविड की सिनेरियो जो है वो कंट्रोल में आ रहा है और कनाडा के VFS सेंटर दुबई में, कुवैत में, मस्कट हो गया, मॉरिशियस हो गया, अगर बात करें जिम्बाब्वे हो गया, इसके बिना UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, US हो गया, जितनी भी कंट्रीज है और यूरोपियन कंट्रीज है वहां ऑलरेडी खुल चुके हैं, आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। सो वेट किस चीज की है? इंडिया की कोविड का सिनेरियो जो है थोड़ा सा सुधरने की वेट कर रहा है हाई कमीशन, जो कि मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर एंड से पहले पहले चीजें कंट्रोल में आ जाएगी और VFS सेंटर भी खुलेंगे, तो आप अपनी मई इनटेक की फाइल जो है वो सबमिशन कर पाएंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। सो मई इनटेक वालों को मैं लास्ट में फिर से कहूंगा, अगर आप अपना ऑफर लेटर अप्लाई करना चाहते हैं, IELTS का एग्जाम अभी देना है, कंडीशनल ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा विदाउट IELTS, IELTS का एग्जाम दे चुके हैं, आपके ओवरऑल 6 हैं, नॉट लेस देन 5.5 है, आप अपनी एडमिशन मई इनटेक के लिए वीजा ऑफिस के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू। सो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इजाजत चाहेंगे, नमस्कार।